ओम शांति और नमस्कार आप सभी का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है और आज का विषय है माइंड मैनेजमेंट हमें अपने एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर की बहुत याद आती है क्योंकि उनको पढ़ाने का एक बहुत वंडरफुल स्टाइल था वो हमें बहुत बहुत वंडरफुल बातें बताते थे विच वॉज नॉट देयर इन सिलेबस एट ऑल लेकिन विशेषता उस प्रोफेसर की यह थी कि वो बाहर की बातें बताते बताते कैसे हमारे सिलेबस को कवर करते थे दैट वॉज अ यूनिक स्पेशलिटी ऑफ दैट प्रोफेसर एक दिन वो प्रोफेसर हमारे क्लासरूम में आए और हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा ये पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू पीपल हैव सीन ताजमहल तो कुछ एक लोगों ने तो ताजमहल देखा था कुछ लोगों ने नहीं देखा था फिर उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कैन यू कॉल ताजमहल एन इंजीनियरिंग मावल इफ यस वाई If, no, why? क्या आप ताजमहल को एक इंजीनियरिंग मार्वल कह सकते हो अगर हां तो क्यों अगर ना तो क्यों तो जो हम सभी स्टूडेंट्स बैठे थे उसको सबको लगता था कि यस ताजमहल इज एन इंजीनियरिंग मार्वल और उसके लिए हमने बहुत सारे रीजन भी बोले सर ये स्ट्रक्चर इतने वर्षों से बना है नेचुरली इट्स एन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हमको स्टूडेंट्स ने कहा सर इट्स परफेक्टली सिमेट्रिकल इन नेचर हम एक जगह से देखते हैं तो बराबर बर दूसरी जगह दिखाई देता है सो देफ इट इज कॉल्ड एज एन इंजीनियरिंग मावल कुछ लोगों ने कहा कि सर ऐसे भी कहते हैं कि उसके कहीं से डोम से एक पानी का बूंद गिरता है विच इज़ नॉट सीन वेयर डज दिस वाटर कम फ्रॉम परफेक्टली है ना सेमी इन स्ट्रक्चर ऐसे बहुत सारे कारण हमने बताए और हमारे प्रोफेसर साहब ये सारे सुनते रहे मुस्कुराते रहे और हमारे सारे जवाब के बाद उन्होंने बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कहा

आज हमें इतने इंजीनियर्स की जरूरत क्यों है इतने मैनेजर्स की जरूरत क्यों है और उन्होंने कहा द रीजन इज टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एनी सिस्टम अब हाउ डू वी डिफाइन एफिशिएंसी एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट करेक्ट अब ये एफिशिएंसी को हम दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं या तो हम आउटपुट को बढ़ाएं या तो हम इनपुट को कम करें करेक्ट जो भी एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है उसमें कौन कौन से रिसोर्सेस लगते हैं वी यूजली यूज द फाइव रिसोर्सेस मैन मेटीरियल मनी मिशनरी एंड मेथडोलॉजी ठीक है ना राइट right? अब इस एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सके कि हम जितना ये रिसोर्सेस को कम यूज करके इसके एफिशिएंसी को बढ़ाएं, राइट right? और फिर हमारे प्रोफेसर ने कहा

दुख की बात है कि ये जो पांचों एम है उसको मैनेज करने के लिए एक सिक्स एम की जरूरत है और वो M को मैनेज करने के लिए हम तो किसी को सिखाते ही नहीं वॉट माइंड बिकॉज इट इज माइंड विच मैनेज दिस लेकिन ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जो हमें मन को कैसे मैनेज करना सिखाता है अनफॉर्चुनेटली नॉट करेक्ट अच्छा एक जमाना था जहां पे हम अपनी माइंड की एफिशिएंसी चेक करते थे डिपेंडिंग अपॉन अ पर्सन आई क्यू एन आई क्यू स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस क्वेश्चन करेक्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट फिजिकल एज क्वेश्चन क्वेश्चन दे देते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द राइट आंसर हम उस कैंडिडेट को डप करते हैं सिक्सटी परसेंट आई क्यू और एट्टी परसेंट आई क्यू लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि दीस डेज आई क्यू इज टोटली आउटडेटेड इट इज बीन रिप्लेस बायसेप्टिस ई क्यू क्यू मीन्स इमोशनल क्वेश्चन अर्थात इमोशनल क्वेश्चन मीन्स हाउ आई एम एबल टू मैनेज माई इमोशंस वेरियस काइंड ऑफ इमोशंस जब एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो डर जाता है उसका माइंड इज इन टेरिफिक स्ट्रेस हि इज नॉट एबल टू मैनेज इज इमोशंस ना हाउ डू आई मैनेज माई इमोशंस दैर इज अ थर्ड एस्पेक्ट विच इज कॉल्ड एज एस क्यू मीन स्परिचुअल क्वेश्चन विल बी एबल टू मैनेज आर इमोशन इफ यू हैव द स्पिरिचुअल कंटेंट इन मीन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड इसे अगर हमें मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझना है तो आई है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दीज थ्री परस्पेक्टिव जैसे द फर्स्ट इज द आई क्यू डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट वॉट इज आई क्यू डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट टू गेट वर्क डन फ्रॉम पीपल बहुत पुराना डेफिनेशन है कि हम लोगों से जो काम करवाते हैं दैट इज वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट लेकिन सोचने की बात है आज एक छोटे से बच्चे को भी काम कराने के लिए मेहनत लगता है हम दूसरे लोगों से कैसे काम करा सकते हैं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट वॉट इज एक्ट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट इज वी कैन डिफाइन एज मैन प्लस एज प्लस मेन प्लस टी अच्छा सबसे पहले हम अपने आप को मैनेज करें जब हम अपने आप को मैनेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आई गेट द करेज द विजडम एंड देन आई विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द मेन ट्रांसफॉर्मेशन करना है ओके दैट्स एन ई क्यू डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड वॉट इज द एसक्यू डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट वेरी वंडरफुल डेफिनेशन इज मैन अ जेम हर एक व्यक्ति हीरा है दैट्स एन एसक्यू डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अब हर एक व्यक्ति हीरा कैसे बनता है सो वी हैव टू टू गो एन स्पेशलिस्ट एन टी स्टैंड फॉर एनलाइटमेंट मतलब एनलाइटमेंट मीन हमें समझना है कि यस मैं एक आत्मा हूं जो अजय अमर अविनाशी हूं दैट कॉल्ड इज एनलाइटमेंट नंबर टू इज अंडरस्टैंडिंग अवर ट्रू नेचर आत्मा का स्वधर्म क्या है, है ना ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्ति इसलिए संसार में किसी भी व्यक्ति से पूछो आपका जीवन का लक्ष्य क्या है वो कहेगा मेरे जीवन में सुख शांति होना चाहिए मेरे परिवार के जीवन में सुख शांति होना चाहिए बिकॉज नेचर एंड टी स्टैंड ट्रांसफर सेल्फ टू सक्सेस अगर हमें सचमुच सफलता चाहिए तो अपने आप को ट्रांसफर करना होगा एंड दिस इज एन एसक्यू डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ओके नाउ हम अपने माइंड को इस तरीके से कैसे ढाल सकते हैं तो मैं आपके सामने कुछ एक पांच बात बताऊंगा वो अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा माइंड वी वुड बी एबल टू मैनेज वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप इज मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड अपने मन को बहुत अच्छा दोस्त बनाओ है ना तो दोस्त कौन बनते हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छी बातें करते हैं जिनके साथ हमारा वेवलेंथ मैच होता है जिनके साथ हमारा कम्युनिकेशन मैच होता है राइट उसी तरह हम भी मन के साथ बातें करें और मन को अपना एक दोस्त बनाएं। अक्सर हम मन के साथ कैसे बात करते हैं अरे मन तू तो बहुत चंचल है घोड़ा है भागता रहता है दैट्स नॉट द राइट कम्युनिकेशन विद द माइंड लेकिन मन को अपना बहुत अच्छा दोस्त बनाओ हे hey मन मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है आई नीड यू यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आप मेरे बहुत अच्छे मंत्री हो इस प्रकार का कम्युनिकेशन जो है वो मन के साथ होना चाहिए ज द फर्स्ट स्टेप नंबर टू अगर हमें माइंड को मैनेज करना है तो रीड गुड बुक्स अच्छे अच्छे किताबें पढ़िए राइट ट्वेंटी थ्री सर एडमेंड हडरी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब द हाइएस्ट माउंटेन दैट इज अउंट एवरेस्ट ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फीट स्ट्रेट अप लेकिन अगर आप उनकी किताबें पढ़ेंगे हाई एडवेंचर्स हमको यह पता चलेगा कि सर एडमिन राइट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट जब वो पहली बार चढ़ाई कर रहे थे आफ्टर सम टाइम ही हैड टू द जर्नी बट देन ही बिकेम वेरी फेमस अक्रॉस द ग्लोब एज द फर्स्ट पर्सन हु अटेम्प्टेड क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट एंड देयरफॉर ही बिकेम वेरी फेमस बहुत जगह उनको बुलाया गया टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस एक बार वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जैसे ऑडिटोरियम में आए द होल ऑफ द पीपल गेव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन He walked up to the stage and he saw a very big portrait of Mount Everest. So he addressed the Mount Everest. Hey Mount Everest, you have defeated me for the first time, but second time I will defeat you because you have grown all that you can grow, but I am still growing in my spirits. But I am still growing in my spirits. The next year I attempted climbing Mount Everest and he was successful. Many people asked him, Sir, what was the greatest challenge you faced while you were trying to climb Mount Everest?

नंबर थ्री अगर हमें माइंड को मैनेज करना है बी इन द कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल राइट क्योंकि संग का रंग लग जाता है करेक्ट द फर्स्ट वीमन आईपीएस ऑफिसर ऑफ द कंट्री मिसेस किरण बेदी 1982 शी वाज इन चार्ज ऑफ द दिल्ली ट्रैफिक एंड शी डिड हर जॉब सो वंडरफुली कि उसके बाद शी वाज गिवन अ ट्रांसफर टू अ प्लेस वे नोबडी वुड एवर ड्रीम ऑफ गोइंग देर

or dhire dhire, there was terrific transformation in the lives of these hardcore prisoners and criminals. and because of her wonderful job, she was given the Magase award for social service and very recently the united nations prize also. and one of the classic examples which i would love to quote is uh, a criminal whose name was daku pancham singh. but because of this godly knowledge, he is now referred as yogi pancham singh. a transformation. हमारे अच्छे लोगों के संग रहने से होता है नंबर थ्री इज बी इन द कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल नंबर फोर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमें मन को मैनेज करना है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ अ डाइट हम किस प्रकार का भोजन करते हैं कहते हैं जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाएगा जैसी पानी होगी वैसी वाणी बन जाएगी सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ द डाइट दैट वी आर ईटिंग तो किस प्रकार का भोजन होना चाहिए शुद्ध शाकाहारी भोजन और जब आप वो भोजन बनाते हो बी इन द रिमेंबरेंस ऑफ ऑलमाइटी गॉड खुशी से आनंद से वो भोजन बनाइए तो उसका इफेक्ट जो होगा बहुत बहुत, बहुत वंडरफुल होगा एक बार मैं बहुत अच्छा वर्कशॉप कर रहा था ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप खत्म होने के बाद बहुत अच्छा फीडबैक मिला एक भाई साहब खड़े होकर कहते हैं सर वाई डू टेक सो मच ऑफ लेक्चर्स ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट मेरे पास एक बहुत सुंदर टेक्निक है सारे स्ट्रेस को खत्म करने का मैंने कहा भाई कौन सी टेक्निक है बोला सर सारे दिन के स्ट्रेस को खत्म करने के लिए सर रात को दो पैग ले लो सर सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा मैंने कहा अच्छा भाई दोनों दो, दो पैग लेने से होता क्या है बोला सर जैसे ही आप लेकर तो देखो मैंने कहा भाई होता क्या बताओ ना बोला सर जैसे ही मैं दो पैग लेता हूं मुझे अति इंद्रिया आनंद का अनुभव होता है मैंने कहा वाव मैंने कहा मैंने एक बहुत अच्छी प्रॉबोप सुनी थी एट द राइट थिंग्स बट एट द रॉन्ग प्लेसेस हम सही चीज को गलत जगह ढूंढ रहे हैं हमने कहा आप जो ढूंढ रहे हो ना आनंद के लिए वो सही चीज है लेकिन आप गलत जगह ढूंढ रहे हो ड्रिंक गैलंस एंड गैलंस ऑफ एल्कोहल यूर बी एबल टू गेट दैट आनंद वो आनंद में जाने के लिए यू हैव टू मूव एन इंटरनल जर्नी एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस प्रकार के गलत व्यसन करने से कभी भी आपको वो खुशी और आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता है तो ये आनंद में कैसे अनुभव करूं वो खुशी मैं कैसे अनुभव करूं हमारा मन हमेशा वो एनर्जेटिकार्ज पॉजिटिव कैसे रहे उसके लिए लास्ट एंड फाइनल बात है एंड दैट इज मेडिटेशन मेडिटेशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक विच टेक्स टू वंडरफुल इंटरनल जर्नी जहां पे हम ये खुशी आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और उसका एक स्टेप बहुत जरूरी है दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज साइलेंट में रहना है फर्स्ट स्टेप साइलेंट में रहिए और साइलेंट से दो शब्द बनता है कौन सा शब्द बनता है साइलेंट से एक तो है एल -E हम बहुत बोलते हैं लेकिन कभी कभी आप साइलेंट में होकर हमें वो आवाज को सुनाई देनी चाहिए कौन सी आवाज लिसन टू ऑलमाइटी गॉड आप उनको सुनने की कोशिश करिए इन प्रेयर्स वी स्पीक टू गॉड बट इन मेडिटेशन विल लिसन टू द ऑल माइ गॉड एक दूसरी बात जो है साइलेंस से एक और शब्द बनती है विच इज कॉल्ड एज एनलिस्ट ई एन एल आई एस टी एनलिस्ट करना है क्या एनलिस्ट करना है तो मेडिटेशन में वो प्रक्रिया सिखाई जाती है वेयर आई एनलिस्ट माई ओन क्वालिटीज तो अ स्टेज इन मेडिटेशन जहां पे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ वी आर एनलिस्टिंग इट और फिर इसके बाद वो ईश्वर के गुणों को एनलिस्ट करिए गॉड इज एन ओशन ऑफ साइलेंस गॉड इज एन ओशन ऑफ लव गॉड इज एन ओशन ऑफ प्योरिटी और इस तरीके से आप गॉड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये पांच बातों का अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड को हम मैनेज कर सकते हैं ये बहुत बहुत जरूरी है ताकि हम जो आज समाज में इतने प्रकार के जो मनोरोग हो रहे हैं उन सब से हम बच सकते हैं प्रोफेसर साहब आई वॉन्ट वन क्वेश्चन के आजकल जैसे कहते हैं कि बहुत सारे मेडिटेशन चले हुए हैं तो वट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन इनफैक्ट जो दूसरे टाइप्स ऑफ मेडिटेशन होते हैं हर एक मेडिटेशन का तो अपना फ़ायदा होता है बट देर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन राजयोग एंड अदर टाइप ऑफ मेडिटेशन अक्सर करके लोगों को लगता है जब हम योग की बात करते तो इट इज़ टू डू समथिंग विथ फिजिकल आसनास लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पर है इट इज़ नॉट जस्ट विथ फिजिकल कंसेप्ट बट इट इज़ टू डू मोर ऑन अ मेंटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे मन को भोजन अच्छा भोजन देने की प्रक्रिया को हम मेडिटेशन कहते हैं वन नंबर टू कुछ एक जगह ऐसे बताते हैं uh, कि मेडिटेशन में हमें अपने मन को एकदम शून्य बनाना है विचारों को एकदम ब्लॉक करना है नो इट इज़ नॉट लाइक दैट राज्योग में ये सिखाया जाता है कि मन का काम तो है विचार करना लेकिन ये जो विचार आते हैं उसको हमें पॉजिटिवली चैनलाइज करना है सो दैट दो थॉट्स वुड एम्पावर यू राइट सो दिस आर वन ऑफ द टू डिफरेंसेस मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर uh, हमारे विद्यालय में आइए इस पूरे टेक्निक को आप सीखिए आपको बहुत बहुत फायदा होगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ साथ में आपका मन भी तरोताजा रहेगा ये हमारी शुभ भावना है सर मैं स्टूडेंट हूँ लाइफ में मेडिटेशन से मेरे को क्या फायदा है ओके देखिए स्टूडेंट्स के लिए भी ये मेडिटेशन बहुत बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत सारे इंफॉर्मेशन खास करके पढ़ाई के लिए तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन याद करने होते हैं और अक्सर करके स्टूडेंट्स का एक कॉमन कंप्लेन होता है कि सर हम बहुत पढ़ते तो हैं लेकिन वो याद नहीं हो पा रहा है तो मेडिटेशन से एक फ़ायदा होता है कि जो हमारी माइंड की जो एफिशिएंसी है और प्रोडक्टिविटी है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ये जो मन की जो कार्य कुशलता है कार्य क्षमता है वो बहुत बहुत बढ़ जाती है और विशेष तौर पर मेडिटेशन जो राज्यों के द्वारा हम जो सीखते हैं उसमें एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ जाती है एकाग्रता का अर्थ होता है जब मन और बुद्धि एक जगह टिकता है हमने अक्सर देखा है जो बच्चे जो होते हैं जब वो पढ़ाई पढ़ते हैं तो मन कहाँ कहाँ भटक जाता है लेकिन मन को सही दिशा देने की जो विधि है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सिखाई जाती है तो वो जो टेक्निक है वो आप यहाँ सीख सकते हैं पहला फायदा दूसरा फायदा तो ये होगा बच स्टूडेंट्स के लिए कि उनको जो एग्ज़ाम का जो डर होगा वो धीरे 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 कम हो जाता है दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट ये उनका जो है दूसरा बहुत वंडरफुल फ़ायदा होता है और तीसरा फायदा ये होगा कि ओवरऑल पर्सनालिटी प्रोफाइल आपकी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है तो मैं चाहता हूं कि आप ये मेडिटेशन करें आपको ये सारे एरियाज़ में आपको बहुत बहुत फायदा होगा बेसिकली टू इंप्रूव योर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ओके सर माइंड मैनेजमेंट का थ्योरी तो समझ में आ गया मगर इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किस तरह गेन करें वो बताएंगे हाँ उसके लिए तो सबसे पहले एक कदम आपको उठाना है कि आपको ये मेडिटेशन की टेक्निक सीखनी होगी तो उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालिए और सिर्फ सात घंटा आपको देना है जहाँ पे आप मेडिटेशन की पूरी प्रक्रिया को सीख सकते हैं और एक बार आपने वो मेडिटेशन सीख लिया तो धीरे धीरे जीवन में आप इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो आपको उसका बहुत बहुत अच्छा अनुभव होगा और ये जो मेडिटेशन का टेक्निक है कोई भी उम्र के व्यक्ति सीख सकते हैं विदाउट इ कास्ट क्रीड रिलीजन जेंडर कोई से भी उम्र के बच्चे सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स भी अगर साथ में आकर इस मेडिटेशन की प्रक्रिया सीख सकते हैं तो भी इसका बहुत बहुत अनुभव होगा ओके okay? सर कुछ लोगों से सुना है कि इस मेडिटेशन में कुछ समय तो बैठ के करना पड़ता है फिर चलते फिरते भी इसको किया जा सकता है क्या यह सही है करेक्ट क्योंकि बैठ कर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ समय के बाद वो सेल्फ की अवेयरनेस और गॉड की अवेयरनेस इतनी हो जाती है कि आप चलते फिरते भी उस मेंटल यूनियन में रह सकते हैं ये तो कुछ समय अभ्यास के बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है धीरे धीरे अभ्यास के बाद प्रैक्टिस के बाद ये ऑटोमेटिकली हो जाता है चलते फिरते भी हम उस अवेयरनेस में रहें कि मैं आत्मा हूँ और ईश्वर मेरे साथ है वो अवेयरनेस करने में थोड़ा समय लगता है लेकिन उसके बाद आप बहुत ईजली बहुत सहज ये कर सकते हैं ये सब मेडिटेशन सीखने के लिए कोई ऐसा स्थान बनाया गया है अगर स्थान है तो कुछ चार्जेस वगैरह भी हैं या कुछ ऐसा ही मतलब ओके दैट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन ये जो राज्यों की जो टेक्निक ऑफ मेडिटेशन है ये सारे ब्रह्मा कुमारी के जो सेवा केंद्र हैं वहाँ पर आपको उपलब्ध होगी uh, देश विदेश में इसके करीब मोर देन एट थाउजेंड सेंटर्स हैं आप इसके कोई से भी सेवा केंद्र में जा सकते हैं और उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसका आप वेबसाइट भी नोट कर सकते हैं जिस वेबसाइट के द्वारा आपको सारे जो आप शहर में रहते हैं उस शहर का आपको एड्रेस मिल सकता है इट इस डब्ल्यू 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 डॉट ब्रह्मा कुमारी डॉट कॉम इसके अलावा भी आपकी सुविधा के लिए हम अपना एड्रेस ई मेल फ़ोन नंबर इसमें डाल देते हैं तो आप इस फ़ोन नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर कर इसके बारे में डिटेल एड्रेस ले सकते हैं हमें बहुत खुशी है कि आपने ये क्वेश्चन पूछा और हमें विश्वास है कि आप ज़रूर ज़रूर ये सेवा केंद्र में जाकर ज़रूर मेडिटेशन सीखेंगे तो हमारी ये शुभ भावना ये शुभकामना है कि आप ये मेडिटेशन की प्रक्रिया ज़रूर कोई भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाकर सीख सकते हैं at the end, may i submit my prayers to the almighty god to wish each and every one of you and your family members complete health, wealth and happiness and a very, very wonderful mind. thank you. om shanti.